50-51 साल हो गया होगा। 50 साल हो गया है। और अपने टाइमिंग क्या रहते हैं भाई साहब यहाँ पे? सुबह 8 से रात के 3। सुबह 8 से लेके रात को 3 बजे तक भाई साहब यहाँ पे वड़ा पाव की सर्विस आपको देंगे। और यकीन में कितने आते हैं बाहर इसमें? हाँ 70-75 वड़ा आ जाता है। 70-75 वड़ा जाता है इसमें? क्या बात है यार। तो एक ही बार में भाई साहब 70। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल ख्वातीन हज़रात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे मैंने अगले वीडियो में आपको बता दिया था कि अब हम लोग बरूज जा रहे हैं, बरूज, तो बरूज से आपको ज़बरदस्त हम लोग स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ बरूज में, मेरी ट्रेन बस हम लोग यहाँ शताब्दी एक्सप्रेस से आए थे, तो मैंने कहा जैसे ही मैं लैंड किया यहाँ पे, मेरे को मैंने इनसे पहले से बात की हुई थी, कुणाल वड़ा पाव वाले हैं ये, प्लेटफॉर्म 3 पे यहाँ पे इनका है और बहुत ही फेमस वड़ा पाव आपको यहाँ पे सर्व करें। आपका कभी बरूच में आना हो तो आपको प्लेटफॉर्म 3 पे यहाँ के इनके जो वड़ा पाव है वो ज़रूर ट्राई करने। चलिए मैं देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई साहब से बात करते हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पे रहता है। हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? क्या नाम है सर आपका? कुणाल अग्रवाल। कुणाल अग्रवाल जी, कितना टाइम हो गया सर अपने को ये शॉप को? ये शॉप को 50-51 साल हो गया होगा। 50 साल हो गया है। और अपने टाइमिंग क्या रहते हैं भाई साहब यहाँ पे? सुबह 8 से रात के 3। सुबह 8 से लेके रात को 3 बजे तक भाई साहब यहाँ पे बड़ा पाव की सर्विस आपको देंगे। और यकीन माने जिसको भी मैंने पूछा सब ने बता दिया भाई कुणाल बड़ा पाव का लोकेशन कहाँ पे। भाई साहब कितने प्रकार के अपने पास वड़ा पाव है? एक ही प्रकार का था, सिंपल वाला ना। वो कितने का भाई साहब? 10 का 1 आता है। अच्छा, जो बड़े वो फ्राई हो रहे हैं क्या पीछे? तो मुझे दिखाएंगे आप? मैं आऊँ पीछे आ जाऊँ? थैंक यू सो मच सर। ये देखिए ये इनके देखिए जो वड़ा के जो मसाले हैं वो देखिए यहाँ भाई साहब ने एकदम मिक्स करके रखे हुए हैं और एकदम फ्रेश ये सब चीज़ें बना रहे हो। यहाँ पे देखिए यहाँ तो आज यहाँ पे आपको डालें भाई साहब, ये देखिए क्या बात है। ये आप अगर आप कहीं बरूच में आएँ तो आपको इनका कुणाल जी का जो वड़ा पाव है वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। देखिए एकदम फ्रेश तेल में ये फ्राई कर रहे हैं और टाइमिंग मैंने आपको पूरी बता दी, 8 से लेके रात को 3 बजे तक भाई साहब में सर्व कर। देखिए अभी निकलते भी आपको पूरा बताएंगे, ये देखिए पूरा ऑयल में फ्राई करें। और बरूच में ये इतने फेमस हैं मैं आपको क्या बताऊं, जी जिसको भी मैंने पूछा प्लेटफॉर्म 3 पे जाएं और आपको पूरी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, ना गूगल मैप से सर्च करने की ज़रूरत है। ये देखिए इनके वड़े, इसमें क्या क्या होता है भाई साहब मसाले में? मसाले में तो बहुत अच्छा, भाई साहब खुद ही बनाते हैं? अरे क्या सीक्रेट रखा उन्होंने। ये देखिए भाई साहब ज़बरदस्त, तो कुणाल के वड़ा पाव आज हम लोग ट्राई करेंगे। ये एक पाए में कितने आते हैं बाहर इसमें? हाँ 70-75 वड़ा आ जाता है। 70-75 वड़ा जाता है इसमें? क्या बात है यार। तो एक ही बार में भाई साहब 70-75 इसमें जो वड़े हैं वो निकाल देते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो बेसन जो घोला हुआ है ना वो एकदम परफेक्ट है, जो मसाले के साथ में आराम से रैप हो गया। और ये देखिए ये हमारे गर्मा गर्म बड़े बार आएंगे फिर ये खाएंगे हम लोग, गर्मा गर्म ट्राई करेंगे, कुणाल जी से कहेंगे गर्मा गर्म हमको देंगे भाई साहब प्लीज़। तो भाई साहब इसको एक पाए को बनने में कितना टाइम लगता है? 5-10 मिनट लगता है। मतलब 5-10 मिनट में 75 अपने जो बड़े हैं वो रेडी हो जाएंगे। देखिए ये हमारे बड़े रेडी हो गए भाई साहब। ये कौन से वाले हैं? ये दाल वाले। अच्छा यहाँ पे ये भी मिलते हैं दाल वाले भी? क्या बात है। तो दाल के वड़ा पाव भी मिल जाएंगे और जो आलू वाले होते हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। चलिए बाहर चलते हैं, बाहर चल के बात करते हैं। ये देखिए अभी भाई साहब ने जो गर्मा गर्म जो वड़े किए थे यहाँ पे आपको आलू के भी मिल जाएंगे और ये दाल के भी मिल जाएंगे थे। और बन की क्वालिटी अभी मैंने देखी है, मैंने जब फोटो खींचा था तो इनके जो कुणाल जी के जो पाव ये लोग यूज़ कर रहे हैं ना वो सुपीरियर क्वालिटी के, इतने सॉफ्ट पाव हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। कुणाल जी ये आपने स्टार्ट किया था भाई साहब, आपका खुद का है ये? नहीं, ये तो तीसरी पीढ़ी है। अच्छा आपकी तीसरी पीढ़ी, लेकिन आप अभी आप यहाँ पे सब कुछ संभालते हैं ना? तो भाई साहब हमारे लिए बनाएं आप एक वड़ा पाव बनाएं। ये देखिए इसके मसाले क्या क्या होते हैं भाई साहब इसमें? इसके अंदर सब गड़े इसके मसाले सारे, जो भी आपके जो भी सीक्रेट जो भी मसाले हैं आलू के साथ में ना। ये देखिए, तो चलिए साहब इसको ट्राई करते हैं। कितने का बताया था कुणाल जी आपने ये? 10 का 1 आएगा। एक हमारे लिए लगाते हैं भाई साहब। ये देखिए, ये देखिए ये चले गए बड़े। अच्छा ये भी आता है इसके साथ में? नहीं आता, ये अलग है। अच्छा आप कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हमको, ये देखिए थैंक यू वेरी मच भाई साहब। तो ये हमारा जो वड़ा पाव है वो रेडी है, पैसे दे देता हूँ भाई साहब को और फिर हम लोग बात करते हैं। देखिए
ये चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको कुनाल वड़ा पाव पे आना पड़ेगा। हम लोग अभी भरूच में आए हैं और आते ही हम लोगों ने हमारा काम स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग कुनाल के वड़ा पाव ट्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त भाई साहब ने कॉपरेट किया और मेरे को पूरा बताया उन्होंने कैसे वड़ा पाव बनाया, ये देखिए। और साथ साथ में ये दाल के भी ये लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने दिया, दाल के भी मैं ट्राई करता हूँ। एक नंबर यार, दाल के जो बड़े हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं। फ्लेवर्स आप बता सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त इन्होंने दाल के बड़े बनाए। देखिए यार, ट्रेन आई लाइव, हम लोग स्टेशन पे ही हैं, प्लेटफॉर्म 3 पे। अब बारी है इनका जो ऑथेंटिक, जो बहुत ही फेमस भरूच का वड़ा पाव है वो हम लोग ट्राई करेंगे। गर्मा गर्म आपके सामने स्ट्राइक किया उन्होंने यार। एकदम सिंपल वड़ा पाव की बात ही और होती है यार। बन की कड़ी चेक कर देखो कितने एकदम फ्रेश और सॉफ्ट बने, और एकदम इन्होंने ज़बरदस्त फ्राई प्रॉपरली किया है, और अंदर मसाला देखो कितना ज़बरदस्त है। ये सब चीज़ें आप अगर आप कभी भरूच में आएँ, जो कि मुझे यकीन है कि आप आएंगे, प्लेटफॉर्म 3 पर आएंगे और इनका वड़ा पाव आपको ट्राई करना। चलिए पूरा ख़त्म करते फिर हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। जो कुनाल के जो वड़ा पाव है वो ट्राई किए और एकदम सिंपल, मतलब ऐसा नहीं इन्होंने कोई बहुत सारे वड़ा बहुत से टाइप के आपको वड़ा पाव मिल जाएंगे, एकदम सिंपल वड़ा पाव ये लोग सर्व करें। और बन की जो क्वालिटी है ना वो एक नंबर है माशाल्लाह। पैसा बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपको और तरक्की दे, और आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात, भाई साहब बहुत बिजी थे, उसके बाद में भी मेरे को पूरा अंदर से बताया कैसे इन्होंने फ्राई किया, कैसे मसाले ये लोग यूज़ करें। चलिए इसी के साथ हम लोग हमारा फर्स्ट जो वीडियो है भरूच का वो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहें और हाँ, अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।